storms and evening fades. You inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name. The nation singing louder. Nothing has the power to save. Your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name. Let the nation sing it louder. The power to save. For your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save. इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14 से आगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमने तो कुछ हफ्ते पहले इस विषय को शुरू किया कि एक बहुत ही अद्भुत विषय पर चर्चा करें, और हमने इसका बड़ा शीर्षक रखा है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सी बातों को बताया गया है जो नई वाचा में नए नियम के विश्वासियों को दिए गए हैं। नई वाचा तो शुरू हुई यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद, और मृत्यु और जी उठने के बाद में जो प्रेरित थे वो तो परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा काम किए, और उन्होंने पत्रियों को लिखा कि हमें बताए कि क्रूस के द्वारा क्या हो चुका है, वहां पर क्या हुआ। यीशु तो इस संसार में इसलिए नहीं आया था, परमेश्वर मनुष्य रूप में संसार में बेकार ही नहीं आया, उसके पीछे एक महान उद्देश्य था। वो इस क्रूस पर ऐसे ही बेकार में नहीं मरा, उसके
पीछे एक बहुत ही महान उद्देश्य था। कलवरी के क्रूस पर जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा हमें बहुत कुछ दिया गया है, और ये पत्रियां हमें विवरण देती हैं वो सब जो हमें दिया गया है इस कलवरी के क्रूस और नई वाचा के द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि पत्रियों में विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। हमें पत्रियों को देखकर समझना होगा ये क्या सिखा रही हैं। अब हमने रोमियो के किताब से शुरू किया था और हमने यहाँ पर कुछ देखना शुरू किया कि हमें क्या क्या दिया गया है, और जब हम इन बातों को देख रहे हैं इस समय हम खास बात को देख रहे हैं, और वो है पाप से आजाद होना। हम तो पाप से आजाद हो गए हैं, हमें इस बात को स्थापित करना ही होगा। आजाद होने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे, नहीं। विश्वासी के नाते हमें एक बात अपने मन में स्थापित करनी है, क्योंकि यदि पहली बात गलत हो तो सब कुछ गलत होगा। इसे स्थापित करना है फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पाप से आजाद किए गए हैं, ये तो ऐसी बात है जो कलवरी के क्रूस पर हो चुकी है। ये तो ऐसी बात है जो कि हमारे लिए कर दी गई है कि हमें आजाद करें पाप की सामर्थ से, उसके बंधन से और उसके राज्य से। यह हो चुका है, यानी रोमियो अध्याय 6 हमें इसके बारे में विवरण से शिक्षा देता है। हम पाप के लिए कैसे मर चुके हैं, दूसरे शब्दों में पाप के साथ हमारा संबंध नहीं। अगर हम इस संसार के लिए मर गए तो इससे कोई संबंध नहीं है, हम मर गए हैं, ठीक है। ऐसे कहता है कि हम पाप के लिए मर गए, यानी इसी तरह से हम मर गए, मारे गए और यीशु के साथ में जी उठे हैं। ये कहता है हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और फिर ये कहता है कि पाप तुम पर राज्य न करें, वो राज्य न करे। अब ये बात बहुत ही स्पष्ट है, रोमियो अध्याय 6 पढ़कर इसमें से कुछ शिक्षा पाने के बाद आप इसके बारे में संदेह नहीं कर सकते। पाप के साथ कोई संबंध नहीं है, पाप हमसे दूर किया गया, हम उसके बंधन से आजाद हो गए हैं, उसके अधिकार से, उसकी सामर्थ से। हमें पाप को सौंपना नहीं है, हमें पाप की सामर्थ और अधिकार में रहना नहीं है, हम आजाद हो गए हैं। इसलिए ये तो एक ऐसी बात है जो कि कलवरी के क्रूस पर कर दी गई और हमें दी गई है। ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया, ये तो यीशु ने किया है, ये हमें दिया गया है। और ये तो देखिए ऐसी बात है, ये नई वाचा की वास्तविकता है, हम पाप से आजाद हो गए हैं। यदि आप पाप से आजाद हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अभी भी पाप से कैसे लड़ रहा हूं, कैसे पाप एक बड़ी परीक्षा है, कैसे मैं प्रतिदिन परीक्षा का सामना कर रहा हूं, मुझे इसका सामना करना है, कई बार मैं इसमें गिर जाता हूं और कई बार मैं इसे खुद को सौंप देता हूं, ये कैसे। और इसलिए मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, और इसलिए हमने ये वचन देखा है, और इस वचन को मैंने आपके सामने पढ़ा है, आपको बताया कि एक महायाजक है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है, स्वर्ग में पिता की दाहिनी हाथ में। इस महायाजक के बारे में सबसे विशेष बात तो ये है कि हर तरह से हमारे समान ही वो भी परखा गया है। हम जिस परीक्षा में से होकर जाते हैं इस पर विश्वास नहीं हो सकता। अगर आप सोचे, कुछ लोग कहते हैं देखिए मेरे प्रभु में परीक्षाओं में से जाता हूं, उस बारे में लोगों के सामने कहते हुए बुरा लगता है, और आपका यह कहना है कि बिल्कुल हमारे जैसे ही हर तरह से यीशु की भी परीक्षा हुई थी। खैर, आप बाइबल से लीजिए, मैं इसे खुद अपने शब्दों में नहीं कहूंगा, बाइबल कहती है कि हर तरह से उसकी परीक्षा हुई हमारे समान ही। लेकिन फिर भी बहुत से महान बाइबल स्कॉलर वो विश्वास नहीं करते और घुमा फिरा कर कहते हैं कि कैसे उसकी परीक्षा हमारी जैसी नहीं हुई, जबकि बाइबल कहती है कि ऐसा हुआ है। तो वो घूम फिर कर इसी के बारे में बताना चाहते हैं कि उसकी हमारी जैसी परीक्षा नहीं हुई। बात तो यह है कि वो इसी तरह से इसलिए बता रहे हैं, वो इस पर क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो क्यों इस पर विश्वास नहीं करना चाहते कि हमारे जैसे उसकी परीक्षा हुई, क्योंकि वो सोचते हैं कि परीक्षा हो ना ही इसका मतलब है कि आप बुरे हैं। अगर परीक्षा हुई पाप से तो आपके अंदर कुछ गलत है। अब देखिए ये विचार तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ, और ये तो कलीसिया में बहुत ही प्रभावी हो गया है। यानी जब हम बड़े हो रहे थे, अगर किसी से जाकर कहें कि हमें समस्या है, पाप में विचार है, परीक्षा है, तो तुरंत आपकी ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि आप में से दुष्ट आत्मा निकालने की जरूरत है, आप बुरे व्यक्ति हैं। आपकी ओर देखकर तुरंत कहते हैं ये बहुत ही बुरा व्यक्ति है, इसने सही उद्धार नहीं पाया, इसे सच में प्रभु के पास आना है, क्योंकि अभी भी इसमें ये विचार आते हैं, अभी भी पाप की इसको समस्या है, पाप में विचार और परीक्षा है, वो आपको नीचा देखते हैं। तो फिर हमने क्या किया, रविवार के दिन बड़ा ड्रामा करते थे, हमारे रविवार के कपड़े थे, शायद आप में से कुछ न जाने, संडे यूनिफॉर्म था, कि कोई भी हमारे कपड़े के बारे में कुछ न कहे, इसलिए रविवार के दिन उन्हें पहनते थे कि सबके सामने रविवार की मसीह दिख सके, रविवार की मुस्कान लगाते, रविवार का चेहरा,
रविवार का हेयर कट, सब कुछ रविवार का। हम बहुत ही सभ्य और अच्छे दिखते थे। हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि हमें पाप और इन सारी बातों से बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां पर सब लोग झूठ बोल रहे हैं। वो सब कह रहे हैं, ओ पाप, मैंने पिछले 25 साल से उसे नहीं देखा और मेरी कभी परीक्षा भी नहीं हुई। ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे काम करते हैं? आप जाकर उनके जैसे खिलवाड़ करती हैं, तो आप अच्छे से साफ सुथरे होकर जाती हैं और उनसे बातें करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं और फिर गीत गाते हैं और सब कुछ करते। लेकिन सोमवार से शनिवार बड़ा पाप होता है, हर जगह आप छिप कर पाप करते रहते हैं, आशा करते कि कोई आपको न देखे। और रविवार को रविवार के कपड़े पहनते हैं, रविवार के चर्च में जाते हैं, रविवार का चेहरा लगाते हैं और फिर सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगाते, क्योंकि कोई भी सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सच में हमारी परीक्षा होती है। क्योंकि यदि कहें कि परीक्षा होती तो आपको बुरा देखा जाएगा कि आप में कुछ गलत है इसलिए परीक्षा हुई। तुम्हारी ऐसी परीक्षा क्यों होती है? जैसे मैंने बताया, एक भाई ने कहा था कि 25 साल से मुझ में कभी ऐसे विचार नहीं आए। जानते हैं, मैंने सोचा कि वो बदल कर लोहे के धातु हो गए या ऐसे ही कुछ हो गए, जानते हैं। लेकिन अब मैंने जाना कि वो झूठ बोल रहे थे, जानते हैं। और ये लोग तो झूठ बोल रहे थे जब वो कह रहे थे कि नहीं, हमें कोई भी परीक्षा नहीं होती है, सभी की परीक्षा होती है। देखिए, हम सब लोग मनुष्य ही हैं और ऐसी बातें हैं जो हमें परखती हैं, ऐसी बातें हैं जो यहां वहां कोशिश करते हैं कि पाप में हमारी परीक्षा कर लें। लेकिन उन दिनों में हम ये कह नहीं सकते थे, वहां पे चर्च में कोई भी नहीं था। मैं दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं एक सच्चाई के रूप में कह रहा हूं। मुझे कोई बताने के लिए नहीं था कि एक महायाजक है और वो अद्भुत व्यक्ति है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही उसकी परीक्षा हुई, देखिए हर तरह से, और उसने पाप नहीं किया। तो चिंता मत करो, उसके पास आओ, जरूरत के समय में उससे अनुग्रह पाओ। कोई भी नहीं, देखिए यहां ये वचन जो मैंने आपके सामने पढ़ा, किसी ने पढ़कर मुझे नहीं बताया। मैंने इसे जाना 7 समुंदर पार करने के बाद में। मैं वहां पर गया और तब किसी ने बताया कि वो वहां पर है। मैंने जाना कि ओ, वो वहां पर है, मेरे पास मदद है, मेरी परीक्षा में कोई मेरी मदद करना चाहता है और सफलतापूर्वक वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो बड़ा माहिर है जिसकी हर तरह से परीक्षा हुई लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, यहां पर प्रकाशन ये है कि हर तरह से आपकी परीक्षा हो सकती है और फिर भी आप साफ हो सकते हैं, बिना पाप के हो सकते हैं। परीक्षा होना ये कोई पाप की बात नहीं है, लेकिन पाप को खुद को सौंप देना ये पापमय है। देखिए, यहां पर फर्क है कि परीक्षा होना और खुद को परीक्षा को सौंप देने में। हमें इस फर्क को जान लेना होगा। परीक्षा होती है, लेकिन जब हम पाप को सौंपते हैं तो उसी समय हम उस पाप में होते हैं। यीशु की परीक्षा हुई, इससे वो बुरा नहीं हुआ, वो तो निष्पाप था, उसने कभी पाप को नहीं जाना। बाइबल कहती है वो पाप से अज्ञात था। आप इसे और भी सामर्थी तरीके से नहीं बता सकते हैं, वो पाप को नहीं जानता था, लेकिन हर तरीके से उसकी परीक्षा हुई। तो ये संभव है कि आपकी परीक्षा और आपका पाप से कोई संबंध ना हो। यीशु की परीक्षा हुई लेकिन पाप नहीं किया, तो ये संभव है कि हमारी परीक्षा और हम पाप को न सौंपे। तो इस समय पिछले हफ्ते से हमने चर्चा करना शुरू की, कैसे खुद को न सौंपे, कैसे अपने आप को पाप को सौंपने से रोके, ठीक है, कैसे पाप को न सौंपे। चलिए उस वचन को देखें जो पिछले हफ्ते देखा था यहां नीति वचन में, और फिर बाद में हम इस वचन के भाग को फिर से देखेंगे और मैं आपको इसे विवरण से समझाकर बताऊंगा। लेकिन चलिए वचन 7 और 8 पढ़ते हैं, नीति वचन 5:7-8। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। यहां कुछ सलाह दी गई है, जब पाप से हमारी परीक्षा होती है स्त्री के साथ, अब ये विषय है जो सब लोग समझ सकते हैं, तो अच्छी बात है कि सरल बातों को देखें और स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसे हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि ये असली परीक्षा है, ठीक है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। पाप से कैसे बचे रहें, खुद को पाप को सौंपने से कैसे बचे, ये कहता है ऐसी स्त्री से दूर रह उससे। देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि दूर को कैसे कहें, ऐसे सुनाई देना चाहिए कि सच में दूर है, बस नहीं कह सकते दूर है क्योंकि लगता है ये पास में है, तो आपको कहना होगा दूर, सब लोग कहें दूर। तो फिर कैसे हम पाप से बच सकते हैं ऐसी स्त्री के साथ, ये कहता है तो अपने मार्गों को दूर रख दे, मतलब जितना हो सके उससे उतना दूर ही रहें कि वो जहां है उसके पास में भी आप न जाएं। अब देखिए, मैं इसके बारे में थोड़े समय बाद बताऊंगा,
लेकिन बात तो ये है, आप अपने मार्ग उसे कैसे दूर रख सकते हैं, कैसे उससे दूर रह सकते हैं और पास में नहीं आते कि परेशानी में फंसे। एक, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। पिछले हफ्ते बताया था बकरियों और भेड़ के बीच का फर्क, जानते हैं हमारा प्रभु अच्छा चरवा है, ठीक है, और वो हमें परीक्षा से दूर लेकर जाता है। इसलिए यीशु ने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बुराई से यानी वो इन जाल को पहचानता है, वो उन सारी बातों को जानता है जो शैतान ने रखी हुई है, हम इसे नहीं जानते हैं। और वो परमेश्वर है और वो तो शैतान से बड़ा है और वो ये सब जानता है और हमें स्पष्ट रूप में बताता है सारी परीक्षा के बारे में। और परीक्षा के वो जो जाल जो हमारे मार्गों में बिछाए हैं हम नहीं देख सकते हैं, वो देखता है। इसलिए प्रभु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपसे कहता है कि ऐसी जगह पर मत जाना, ऐसी बातों में नहीं जुड़ना, या फिर किसी व्यक्ति के साथ में किसी रूप में न जुड़ना, या लोगों के साथ में। हमें कहता है कि हम ऐसी परिस्थिति से दूर ही रहें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना तो अच्छी बात है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रहता है और वो भीतर से आपका मार्गदर्शन करता है और वो मार्गदर्शन के लिए अच्छा व्यक्ति है। वो हमसे ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते, वो जानता है। वो हमें परीक्षा से बाहर रखेगा, वो हमें परीक्षा से दूर रखेगा। इसलिए पवित्र आत्मा के पीछे चलना है कि परेशानी से दूर रहे। और आज हम अगली बात में जाने वाले हैं और वो ये है, ऐसी परिस्थिति से दूर रहें जो परीक्षा लाए, परीक्षा को दूर रखें। सब लोग कहें टाले, ठीक है, चलिए बात करें कि कैसे टाले परीक्षा को टालना। मैं आपको बताऊंगा, आदम हवा में यही तो समस्या थी। इसे टालने के बजाय उन्होंने शैतान को जगह दी और उन्होंने परीक्षा के लिए जगह दी। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति अध्याय 2 और वचन 15 से पढ़ती हैं। उत्पत्ति 2:15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। दो बातें मनुष्य के हाथ में सौंपी गई थी, दो बातें दी गई थी, एक तो काम करे और उसकी रक्षा करे, यानी एक अनुवाद कहता है कि उसमें वो खेती करे और रक्षा करे, उसमें काम करे और रक्षा करे, उसमें काम करे यानी खेती करे, बाग में काम यानी उसे आप अच्छा बनाते हैं, बाग में काम करना इसी के बारे में है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को दो काम दिए, एक तो इसमें तू काम कर, मैं तुझे ये वाटिका दे रहा हूं, पूरे संसार को इस वाटिका जैसे बनाओ, जो वाटिका तुम्हें दी है उसे और भी बेहतर बनाओ, यानी उपज उपजाना। ये तो निश्चय अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने हर एक को दिया है। यानी अगर किसी को पत्नी दी है तो उसे क्या करना चाहिए, घर लेकर जाना है और उसका ध्यान रखना है, ताकि जब उसके पिताजी आकर उसे देखे तो कहें मेरे प्रभु ये तो हमारे घर में जैसी थी उससे बेहतर है, जैसे हमारे घर में थी उससे भी बेहतर यहां पर है, क्योंकि दामाद ने अच्छा काम किया, मेरी बेटी खुश है, ये ज्यादा संपन्न है, इसने बहुत हासिल किया है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, ये बुद्धिमान हो गई है, ज्यादा ज्ञान हासिल किया, बहुत कुछ प्राप्त किया है, जानते हैं ये तो बेहतर है, शादी के समय सब बेहतर है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। ये ध्यान देना है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं कि कैसे रिश्ता ढूंढे, तो कहते हैं पता नहीं भाई कैसे, अच्छा है आप प्रार्थना करके मुझे बताइए कि किससे शादी करना है। देखिए इस तरह से नहीं होता है, जानते हैं, किसी से प्रार्थना करने के लिए नहीं कहना कि वो बताए कि आपको किससे शादी करनी है, लेकिन कुछ तरीके से आप जांच सकते हैं। मंगलवार की शाम मैंने इसे सिखाया है और देखिए उसमें तो एक मुख्य बात तो यही है कि ध्यान देना है, कैसे कोई व्यक्ति उसके हाथ में जो कुछ दिया उसे लेकर बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो अविवाहित व्यक्ति ने अपने काम में क्या किया है, क्या उसने बेहतर किया है, क्या अपनी योग्यता और अपनी महारत को उसने अच्छा बनाया है, वो अभी इस समय जैसा है उससे वो क्या कर रहा है, हाँ क्या वो बेहतर होते जा रहा है इतने साल में या बुरा होते जा रहा है। कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ लड़कियां मूर्खता में उनसे शादी करते हैं क्योंकि वो सुंदर और ऊंचा है, लेकिन उससे शादी करना तो गलत है। क्योंकि वो तो उसे बढ़ाने वाला नहीं है, जो कुछ भी उसे दिया गया है उसे वो खोता है, जो भी उसे दिया जाता है उसे वो खराब करता है, वो उसे पहले से भी बुरा करता है और वो इन बातों को नहीं देखते हैं। देखिए कि काम करना यानी उसे बेहतर बनाना है। यदि आपको व्यापार सौंपा गया है तो उसे बेहतर बनाए, अगर आपके हाथों में चर्च सौंपा गया है तो उसे पहले से भी बेहतर बनाए जब वो आपको सौंपा गया था। जो कुछ भी आपके हाथों में दिया जाता है, जानते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहिए। देखिए स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही, जो भी आपके हाथों में दिया गया वो बेहतर दिखना चाहिए, ठीक है। हेलो,
क्या आप यहां हैं या फिर घर चले गए हैं? वो बढ़ाने वाला है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ है, उसके साथ रहना योग्य है, ठीक है? तो इसे बढ़ाते जाए और हम इस बढ़ाने के काम को समझ सकते हैं एक बार उसे अगर हम गहराई से देखें। लेकिन ये रक्षा करने की बात क्या है? वो कहता है रक्षा करना मतलब रखना नहीं है, यानी रक्षा करना है। कुछ अनुवाद इसी तरह से इसे बताते हैं। रक्षा करे, किससे रक्षा करे? वहां पर कोई नहीं था तो किससे रक्षा करे? इसकी रक्षा करनी है शैतान से। यही तो परमेश्वर कह रहा है, वो बुरा शैतान यहां भागता है, वो वाटिका में नहीं है, लेकिन उसे वाटिका में आने नहीं देना। यही तो बात परमेश्वर आदम से कह रहा था। वह है जिसे मैंने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है, उसकी वहां जरूरत नहीं है, और वो यहां वहां भटक रहा है, और वो तुम्हारे बारे में जलन महसूस करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उसने अपने जैसे तुम्हें बनाया है। वो तुम्हें नाश करना चाहता है, वो निश्चय इन दिनों में तुम्हारे पास में आएगा कि तुम्हें नाश कर दे। सावधान रहना, उसे इस वाटिका में नहीं आने देना। ये वाटिका तुम्हारी है और इसके पूरे अधिकारी तुम हो इस जगह के लिए, और उसे तुम अपने जीवन में आने नहीं देना, उसकी नहीं सुनना, उससे सलाह नहीं लेना, उसे कोई जगह नहीं देना, उसे आने नहीं देना, उससे दूर रहना, उसे तुम बाहर ही रखना। परमेश्वर बस यही बात कह रहा था। अब इसे सुनिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। वचन 16, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। अब परमेश्वर उसे हजारों आज्ञा दे सकता था या 10 आज्ञाएं, लेकिन नहीं दी, उसने बस एक आज्ञा दी, कहा तुम खा सकते हो सब कुछ, सारी चीजें तुम खा सकते हो, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तुम नहीं खाना। बस इसके लिए मना करता हूं, केवल एक ही बात नहीं करने के लिए कहा। बहुत से नहीं नहीं थे, लोग शिकायत करते हैं कि आस्था में बहुत से नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक ही नहीं कहा था, इस पेड़ से नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से। अब देखिए अध्याय 3, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए जब भी शैतान यहां पर आता है और स्त्री से बातें करता है, वो दूसरी हजारों बातों के बारे में कह सकता था, लेकिन किस बात के बारे में कहता है? उस एक नहीं के बारे में जो परमेश्वर ने कहा था। वो बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन वो इस एक बात पर गौर करता है जो परमेश्वर ने कहा था नहीं, क्योंकि उसका मकसद यही है कि मनुष्य को वो एक काम करने लगाए जो उसे नहीं करना चाहिए। क्या ये अजीब नहीं? वो और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेता। उसने ये नहीं कहा कि हाय कैसे हो, आज तुमने क्या खाया, हवा से नहीं पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं, काम कैसे चल रहा है, हाँ तुम कैसे हो, सब ठीक चल रहा है ना। नहीं नहीं, वो इन सारी बातों के बारे में परवाह नहीं कर रहा था। क्या परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खाना? देखिए वो एक ही बात पर गौर कर रहा था जो परमेश्वर ने मना करके रखा था। God is strength. My heart.
God is the strength of my heart and my fortune for everybody. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my fortune for to sing. God is the strength. God is the strength.